हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हो। ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये आपका इनकम का प्रूफ मानी जाती है और दूसरा, अगर आपको कहीं बैंक में लोन लेना हो तो ये आपके बहुत काम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हो। इस ITR में हम सैलरी के अलावा जो भी अपनी अदर इनकम होती है वो ITR हम लोग फाइल करेंगे। सैलरी के अलावा जो भी हमारी अदर इनकम होती है, जैसे सेमी बैंक का इंटरेस्ट हो गया, FDR का इंटरेस्ट हो गया, स्टिचिंग की इनकम होगी, पार्लर की इनकम होगी, जहाँ जो भी अदर काम होते हैं उसकी हम लोग ITR फाइल करना देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा। तो इसमें इनकम की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें हमारी सेमी बैंक की इनकम है, FDR इंटरेस्ट की इनकम है और हमारी स्टिचिंग इनकम है। इसके अलावा हमारी कोई भी इनकम नहीं है और जो डिडक्शन है वो सिर्फ हमारी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की ही है। तो चलिए, हमने अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। पोर्टल के लॉगिन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है ITR ऑनलाइन फिलिंग पे और यहाँ पे आपने अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना रहना है, जो भी करंट चल रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल जहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट लिखा आएगा और आपने ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ITR आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमारे केस में ITR 1 एप्लीकेबल है, तो हम लोग ITR 1 पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, जिसमें से आपके सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन की विंडो आपके लिए एक्टिव रहेगी। पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। तो इसमें आपने ध्यान से अपना एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर और जीमेल वगैरह चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने फाइलिंग, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, अगर उसमें जाना चाहते हैं तो उस पर सेलेक्ट कर दें, वरना उसको नो रहने दें। तो उसके बाद आपने एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए भी आपने, अगर फंड अगर आपका है तो उसी बैंक अकाउंट में आपका फंड आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद आपने कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम की। जो भी इनकम आपकी AIS में शो कर रही होगी एनुअल इनकम स्टेटमेंट में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे केस में हमारा सेमी बैंक का इंटरेस्ट और FDR का इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है। उसके अलावा हमने जो अदर इनकम हमारी ऐड करनी है वो करनी है स्टिचिंग इनकम। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी ऐड अदर इनकम, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, अमाउंट डालनी है और इनकम की डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि आपकी कौन सी इनकम है। तो हमारे केस में स्टिचिंग इनकम है, तो हम यहाँ पे स्टिचिंग इनकम लिख के क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके अलावा हमारी कोई इनकम नहीं है तो हम इसको कन्फर्म पे क्लिक करके आगे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास टोटल डिडक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में डिडक्शन सिर्फ हमारी सेविंग बैंक इंटरेस्ट की है, तो उस केस में हम लोग ATTA सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपकी ऑप्शन आ जाएगी ऐड करने की, तो जितना भी आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 10,000 से कम, जितना भी आपका 10,000 से कम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया है, ऐड पे क्लिक करेंगे और आगे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। डिडक्शन ऐड करने के बाद आपके पास टैक्स पेड की विंडो ओपन आ जाएगी। हमारी लाइबिलिटी 0 है क्योंकि हमारी इनकम सिर्फ 2.5 लाख से भी कम है, तो हमारे ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। इस डिटेल को ओपन करके कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी भी 0 है क्योंकि हमारी इनकम बिल्कुल 2.5 लाख से भी नीचे है, तो उसे भी हम कन्फर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सारी ऑप्शन कन्फर्म करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह, ईमेल आईडी अच्छे से वेरीफाई कर लें ताकि कल को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। रिटर्न प्रीव्यू में जो जो आपने इनकम ऐड की है वो सारी इनकम आपको शो हो जाएंगी। सभी इनकम को, सभी डिटेल को आपने अच्छे से चेक कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, हमारे एरर, कोई भी एरर नहीं है रिटर्न में। हम अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी रिटर्न को वेरीफाई करने की। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो है आपका आधार OTP। आपने ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है ताकि रिटर्न आपकी जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो सके। अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार के पता, तो आप ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके अपनी रिटर्न को कोरियर करा सकते हैं बेंगलुरु में। लेकिन ये आपको कोरियर करवाना है 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ITR वहाँ पर बेंगलुरु पहुँचनी चाहिए। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारी ITR जो है जो वो फिल हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।